इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। IRFC शेयर में दोस्तों अगर हम बात करेंगे, अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में आपको शेयर अभी टाइम में मिल रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी ऊपर के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपने कितने के प्राइस पे IRFC को बाई किया है। ऑल टाइम पे अगर हम बात करें तो 25% से भी ऊपर के करेक्शन में आपको, मतलब कि यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम का हाई लगा है, सॉरी यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई लगा है उससे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 26% से ऊपर के करेक्शन पे आपको अभी के टाइम में मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम के लिए क्या लेवल्स यहाँ पे बन रहा है, अगर हम बात करें किस लेवल पे एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, फिर जो भी है हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब बात करें यहाँ पे तो अपने हाई से 25% से भी ऊपर के क्रैश में शेयर आपको मिल रहा है अभी के टाइम में। अब इसके पीछे वजह क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी ऊपर के प्राइस पे बाई किया हुआ है। तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ मेरा ओपिनियन जो कि इस शेयर को केवल IRFC को लेकर है, देखिए शेयर जब अपने हाई को टच करने के बाद फिर वहाँ से नीचे आता है तो कंसोलिडेशन वाला फेस बहुत ज़्यादा रह जाता है इस शेयर में अगर हम बात करेंगे, उसके बाद कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ से अपना हाई बनाया था 175 के आसपास, उसके बाद 31 जनवरी 2024 में, और उसके बाद एकदम गिरावट हुआ। तो लगभग उसका कब टच हुआ उस लेवल का, कुछ मई के बाद कह सकते हो कि मिड मई में कह सकते हो ये लेवल टच किया और उसको ऊपर गया। और यहाँ पे देखेंगे कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ पे रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप नोटिस कीजिए कि मार्केट में इस ये जो स्टॉक है यहाँ पे काफ़ी हाई कंसोलिडेशन रहता है यहाँ पे, मतलब कह सकते हो कि जब एक बार गिरावट हो जाए तो कुछ महीने तक नीचे ही रह जाता है, और तेज़ी देता है तो वैसे ही ज़बरदस्त तेज़ी देता है, वो अलग की बात है, बट ये चीज़ आप नोटिस करके चलिएगा। अभी कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, अभी तो गिरावट यहाँ पे हो रहा है आप देख सकते हो, और गिरावट होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जब भी आप देखेंगे पहले पहले का चार्ट जब भी आप उठाएंगे, अभी कंसोलिडेशन नहीं, अभी गिरावट हो रहा है। अभी देखते हैं गिरावट कहाँ तक होता है, उसके बाद कितना कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद क्या हमें तेजी दिखने को मिलता है। देखिए मेन बात है कि जब हाई अपना टच करता है शेयर, अच्छा रिटर्न दे दे, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, वो अलग की बात है। और जो लोग बाई करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री, वो करेक्शन पर ही एंट्री कीजिए कोई भी स्टॉक में। बिकॉज देखिए अब यहाँ पे हाई बना लिया, यहाँ से गिरावट हो गया, यहाँ पे अपना हाई बनाया था यहाँ से गिरावट हुआ था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग यहाँ से गिरावट हो रहा होगा यहाँ पे आके निकल गए होंगे पैनिक में आके, डर के कि अब यहाँ से हो सकता है कि सारे सारे स्टॉक और नीचे रह जाए या फिर और नीचे चला जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। और जब आपको बाई ही करना है तो एकदम से हाई प्राइस से बाई नहीं कीजिए, थोड़ा करेक्शन होकर थोड़ा शेयर स्टेबल कंडीशन में आ जाए, ये वाला स्टेबिलिटी होता है, ये स्टेबल कंडीशन होता है, तो आप सोचिए आपको बाई करना है या फिर नहीं करना है, वो अलग की बात है। अब बात करते हैं IRFC के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे। तो देखिए नो डाउट कंपनी अच्छा है, अलग की बात है, बट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, आज की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 40.68% का डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पर दिखने को मिला है। जितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसमें से 40% से ऊपर डिलीवरी में उठाया गया है दोस्तों, अगर हम बात करें 40.68% काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है IRFC में आज के दिन देखने को मिला है। FIS ने अपना होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया 1.08% से 1.11%। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे OFS को लेकर, काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किए जब ये 100 रुपये से नीचे के प्राइस पे ट्रेड करता, वहाँ पे भी 150 के ऊपर गया, फिर भी OFS के डर से काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आज के टाइम पे इतना ज़बरदस्त 200 से ऊपर का भी हाई लगाया, नीचे आया, फिर भी OFS अभी के टाइम में अनाउंस नहीं हुआ। अब देखते हैं, ये भी एक डर का माहौल कहीं ना कहीं हो सकता है कि OFS कब आ जाए, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं निकल के आ रहा है, तो क्या ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि क्या OFS आ सकता है अभी या फिर नहीं, जो भी है। अब देखिए शेयर ऑलरेडी गिरावट में है तो यहाँ पे OFS आने का तो चांस बहुत कम लगता है, बिकॉज ऑलरेडी शेयर करेक्शन में है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी अगर OFS आया तो हो सकता है थोड़ा और गिरावट हमें देखने को मिल जाए, तो इसलिए कि OFS अभी आने के चांसेस कम लग रहा है, बट देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। और अगर OFS आता है तो कह सकते हो करेक्शन तो होता ही है थोड़ा सा, वो अलग की बात है, आपने खुद देखा होगा काफ़ी सारे शेयर में। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो पब्लिक ने अपना होल्डिंग यहाँ पे, जो भी पब्लिक का होल्डिंग अगर देख सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, डेज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 0.89% से इंक्रीज होकर 1.08% हुआ रिसेंट क्वार्टर में। अब बात करें यहाँ पे तो ये कुछ परफॉर्मेंस हमें लगातार देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे इस शेयर के बारे में तो कहीं ना कहीं जब स्टेबल कंडीशन में शेयर आया था तो उस टाइम पे फ्रेश एंट्री बन सकता है। अब आज का वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त देखने में मिला है, आप देखेंगे यहाँ पे पिछले यस्टरडे से 1 वीक के एवरेज से 1 मंथ के एवरेज से भी काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने में मिला है, 2 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम रहा है।
जो भी अगर हम बात करें आप अकॉर्डिंग टू एनएससी, आप यहाँ पे आके देख सकते हो वॉल्यूम हमें एग्जैक्टली कितना हमें देखने को मिला है, 2 करोड़ से ऊपर का ही वॉल्यूम देखने को मिला है। यस्टरडे 2 करोड़ के वॉल्यूम में एयरटेल का डिलीवरी उठाया गया 47.68%, मतलब इस बार लगातार काफी जबरदस्त डिलीवरी उठाया जा रहा है। 1 वीक के एवरेज में 2 करोड़ वॉल्यूम में 61 लाख का डिलीवरी उठाया गया 35.61%, और 1 मंथ के एवरेज में 2 करोड़ के वॉल्यूम में 66 लाख का डिलीवरी उठाया गया 36.58%। अब बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो इस बार थोड़ा परफॉर्मेंस हमें डाउन देखने को मिला है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से। अगर इस क्वार्टर में इसके बाद वाले क्वार्टर जो है इसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो कह सकते हो अच्छा हमें हो सकता है कि एक और फर्दर अपसाइड का थोड़ा सा और मूव हमें देखने को मिल जाए, प्लस पॉइंट हो जाए कि अपसाइड का मूव मिल, मतलब यहाँ पे देखिए प्लस पॉइंट, थोड़ा थोड़ा प्लस पॉइंट आएगा शेयर में, मूव हमें देखने को मिलेगा। तो पिछले ईयर में इसी क्वार्टर के मुकाबले तो इंक्रीज हुआ ही है, वो अलग की बात है, बट देखते हैं इस बार इस वक्त क्वार्टर में हमें क्या देखने को मिलता है। अब आज के लिए कुछ इतना ही, IRFC शेयर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे IRFC शेयर प्राइस फॉलिंग आप देखेंगे यहाँ पे, टाइम टू बाई और सेल एनालिस्ट डिकोड्स स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे 16 को अपडेट ये निकल के आते हुए दिखा 16 सितंबर को, और क्या अपडेट में निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे शेयर प्राइस टारगेट क्या निकल के आ रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। IRFC शेयर प्राइस टारगेट, मार्केट एक्सपर्ट सौरभ हैज गिवन हिज रिकमेंडेशन ऑन IRFC स्टॉक, ही सजेस्ट टू कीप द स्टॉक फॉर 2 to 3 ईयर्स टू क्रिएट ए गुड मनी। अब मार्केट का जो भी एक्सपर्ट है उनके मुताबिक भी कम, मतलब यहाँ पे 2 से 3 साल का टारगेट इन्होंने दिया अच्छे रिटर्न के लिए। तो कहीं ना कहीं IRFC स्टॉक में, मैंने जैसे शुरू में बताया कि वही चीज़ हमें देखने में मिलता है कि स्टेबिलिटी जब स्टॉक में निकल के आया जाता है तो पता नहीं रहता है कि कितना स्टेबल रहेगा शेयर, उसके बाद तेजी आएगा तो जबरदस्त तेजी आएगा वो अलग की बात है, बट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग इरिटेट होके शेयर में एग्जिट कर जाते हैं और काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, कंपनी के बुरे समय में जब साथ दीजिएगा तो अच्छे समय में आपको भी कंपनी अच्छा साथ देगा, अलग की बात है, बट फंडामेंटली कंपनी अच्छा होना चाहिए और कंपनी ये काम भी अच्छा होना चाहिए, तो दोनों कंपनी का लगभग ठीक ही है, आपको पता होगा। अब बाकी अगर हम बात करें तो आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।